टुडेज टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है कि हमें फाइव डिफरेंट सेट टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। इसमें जो पहला है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय एर्नियस ब्रॉनस्टेड एंड लुईस। सेकंड है हमारा के और के बी क्या होता है, ठीक है, एसिड और बेसिस के लिए। थर्ड है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ वन इज पीएच, पीओएच, पीके डब्ल्यू क्या होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, सॉल्ट के लिए। तो जो एक एक करके देखते हैं, तो जो पहला हमारा है टॉपिक दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। जो एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, तीन डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। एक तो पहला एर्नियस ने दिया था, सेकंड ब्रॉनस्टेड और लॉरी, एंड थर्ड वन इज बाय लुईस, ओके। तो आज देखते हैं कि क्या है एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से एर्नियस ने क्या बोला था, ठीक है, ब्रॉनस्टेड ने क्या बोला था, उसके बाद लुईस ने क्या बोला था। चलो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बाय एर्नियस, ठीक है। एर्नियस के अकॉर्डिंग हमारा एसिड क्या है, ठीक है, एर्नियस, ठीक है। एर्नियस इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम था। तो उनका उनके अकॉर्डिंग एसिड जो है, दे आर स्पीसीज विच रिलीजेस, ओके, विच रिलीजेस एच प्लस आयन, ठीक है। एसिड ये है कि कोई भी स्पीसीज अगर वो एच प्लस रिलीज करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स बता दूं, तो जैसे कि मान लो हमारे पास HCl हो गया, कि नहीं, HNO3 हो गया, या हमारा H2SO4 हो गया, ये सारे क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या करेंगे, इसको जैसे तुम एक्वस में डालोगे तो क्या हो गया, एच प्लस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो दे आर द स्पीसीज विच रिलीजेस एच प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि एच प्लस रिलीज करेगा, ठीक है, सारे। जैसे कि मान लो इसको अगर तुम एक्वस में डालोगे तो क्या होगा, बताओ, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, एक एच प्लस, अब दूसरा क्या होगा, सी एल माइनस। उसी तरीके से इसको अगर करोगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, एक एच प्लस है, एक एनओ थ्री माइनस, ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होगा, ठीक है। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस में डालोगे तो एक इसमें ब्रेक होगा, एच प्लस और एच एसओ फोर का क्या माइनस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो एसिड में यही है कि कोई भी स्पीसीज अगर एच प्लस दे तो दे आर एसिड, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो कि बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दे आर द स्पीसीज, ओके, दे आर द स्पीसीज विच रिलीजेस OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे तुम इस स्पीसीज को डालोगे ना, तो OH- माइनस क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे कि मान लो NaOH हो गया, है कि नहीं, वेरी कॉमन एग्जांपल। उसी तरह से KOH हो गया, ठीक है, या CaOH2 का होल्ड बॉडी हो गया। ये सारे क्या है, दिस आर ऑल व्हाट यू नो बेसिस, ओके। दिस इज अकॉर्डिंग टू एर्नियस, एनी स्पीसीज व्हिच रिलीजेस एच प्लस एसिड, बेस का मतलब क्या, वो जो OH- देगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज गिवन बाय ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी, ठीक है। तो इसके इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग एसिड ये है कि जो प्रोटॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, प्रोटॉन मीन्स एच प्लस आयन, और जो एच प्लस गेन करे वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉर्मल कॉन्सेप्ट, सबको पता है कि एसिड मतलब एच प्लस, अब बेस मतलब क्या, OH माइनस, जो OH माइनस दे वो बेस बनेगा, और जो H प्लस देगा वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। लेकिन ब्रॉनस्टेड के हिसाब से देखो एसिड क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड, लॉरी, ओके, तो ये दो बंदे थे, तो उनके अकॉर्डिंग एसिड ये है, एसिड्स आर स्पीसीज which releases H plus ion, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन, ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन in aqueous solution, ठीक है, जो H plus क्या करेगा, रिलीज करेगा, या प्रोटॉन, ठीक है ना, H plus means प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे बेस means which accept proton,
जो एच प्लस देगा वो एसिड बन जाएगा, और जो एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या बनेगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, दिस वॉज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, अब जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक एसिड है एच सी एल, ठीक है, दिस इज एक्वस, ओके। अब जैसे इसको मैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस है, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा कि सिंस एसिड है तो क्या करेगा, एच प्लस को रिलीज करेगा। ठीक है, एच प्लस जैसे ही रिलीज करेगा तो क्या करेगा, ये एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स एच प्लस से जैसे ही लूज करे तो किसमें कन्वर्ट होगा, सी एल माइनस, जो कि क्या होगा, एक्वस। इसने एच प्लस को क्या किया है, लूज किया है, या मैं बोल सकता हूँ लूज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन को क्या किया, इसने रिलीज किया है, तो किसमें कन्वर्ट हुआ है, सी एल माइनस। ठीक है, अगर मान लो ये एसिड है तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सिंपल। और मान लो इसने H+ रिलीज किया है तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और जैसे ही H+ ये एक्सेप्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन H3O का पॉजिटिव, जो कि बनेगा क्या तुम्हारा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब कि H+ रिलीज किया तो क्या बना, सी एल माइनस, जो ये बनेगा, दिस विल बी कॉन्जुगेट बेस। ये जो है देखो, अगर ये एसिड है, जैसे कि हमें पता है ना कि जो वाटर है दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ओके, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है या बेस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब यहाँ पे देखो, एसिड मैंने लिया तो दैट मीन्स ये जो वाटर है ये बेस की तरह काम कर रहा है फिर, ठीक है ना, वीक बेस। ठीक है, इसने H+ को रिलीज किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये सी एल माइनस बना, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोनियम आयन है दिस इज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, कॉन्जुगेट एसिड, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बेस है, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड को समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास है NH3, ठीक है, तो हमें पता है किसके पास लोन पेयर होता है, और लिव्स के हिसाब से क्या है, एसिड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिव्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेस। तो फिर यहाँ पे जो वाटर में लूंगा वो क्या बन जाएगा, एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा कि जो वाटर, इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो होगी वो एसिडिक भी होगी और बेसिक भी होगी। ठीक है, तो आप देखो जैसे कि क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये बेस है तो क्या करेगा, एच प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, आई रिलीज करेगा। अगर ये रिलीज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, ये ओ एच माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज लूज ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इसने H+ को रिलीज किया है तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो अगर ये एक्सेप्ट करे तो किसमें कन्वर्ट होगा बताओ, ये बन जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से NH4 का पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अमोनिया। तो फिर ये क्या बन जाएगा, अमोनियम, अमोनियम क्या, आयन। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये एसिड है, तो फिर ये जो बनेगा ये क्या बनेगा तुम्हारा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस। एसिड का हमेशा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, आज जो बेस है उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, तो फिर ये क्या बना तुम्हारा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या, एसिड। ठीक है, देखो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कुछ एसिड या बेस दे देगा। ठीक है, पूछेगा कि बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। ठीक है, तो जो बेस होगा उसमें क्या करा दो, प्रोटोन का गेन करा दो, और जो एसिड है वहां से एच प्लस को निकाल दो, मतलब प्रोटोन को निकाल दो, यहाँ से प्रोटॉन निकाला तो क्या बनेगा, OH माइनस। और ये जो H प्लस इसने क्या किया, लूज किया, या जो H प्लस निकाला है उसको क्या करा दो, इसको गेन करा दो, तो ये गेन करके ये बन जाएगा, ये लूज करके ये बन जाएगा। अगर ये बेस है तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, अगर ये एसिड है तो फिर ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है ना, तो ये है कॉन्सेप्ट तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड का। ठीक है, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लिविस, लिविस का तो सिंपल सा है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा वो क्या बनेगा, बेस बनेगा, और जो लेगा वो क्या बनेगा, एसिड। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं बता दूं एक बार, लिविस
एसिड. ओके द स्पीसीज which accept a pair of electrons. Can be called as Lewis acid. ठीक है, Lewis acid. अगर इसके मैं कुछ examples बताऊं तो और अच्छे से clear होगी. जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ BF3 हो गया, ठीक है, या BCl3 हो गया, या AlCl3 हो गया. ठीक है, ये सारे क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ठीक है, जैसे कि मान लो इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पे तुम्हें पाओगे कि B जो है सेंट्रल एटम है, और इसके आसपास F लगे हैं. मान लो इस तरीके से F, यहाँ पे F. ठीक है, तो यहाँ पे जो F है इसकी ऑक्टेट पूरी है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 8 2 8. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 तो लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है देखो. ठीक है, लेकिन इस केस में तुम देखोगे ना तो इसके पास क्या है, 3. जैसे कि मान लो कि B तो 5 होता है ना, ब्रोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2.3. ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 का शेयरिंग करेगा. तो देखो अब इसका ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. तो अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविस एसिड. क्या बोलेंगे, लिविस एसिड. आगे बात समझ में. उसी तरीके से सिमिलरली तुम BCl3 के लिए भी बना सकते हो. तो तुम देखोगे कि जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है. सिमिलरली तुम AlCl3 के लिए भी देखोगे तो यहाँ पे Al की जो ऑक्टेट है वो पूरी नहीं है. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लिविस एसिड के हिसाब से ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड will act as Lewis acid. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी. अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो क्या होगा, वो Lewis acid की तरह काम करेगा. ठीक है, अब देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, फिर Lewis बेस का डेफिनेशन क्या होगा, फिर which can donate a pair of lone pairs. ठीक है, जो भी स्पीसीज है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, दे सकता है. ठीक है ना, किसी भी स्पीसीज को, तो क्या बन सकता है बताओ, वो किस तरीके से काम कर सकता है, लिविस बेस की तरह काम कर सकता है. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे कि मान लो NH3 हो गया, वाटर हो गया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अब देखो लिविस बेस. ओके द स्पीसीज This is which can donate a pair of electrons can be called as Lewis base. ठीक है, अब जैसे कि मान लो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास NH3 के केस में तुम देखोगे ना कि N के पास क्या है, लोन पेयर है. तो अगर ये लोन पेयर है तो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. उसी तरीके से तुम वाटर वाला एग्जांपल ले लो, है कि नहीं, यहाँ पे O के केस में देखो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है ना, तो दैट मीन्स दोनों जो स्पीसीज है ना दे कैन एक्ट एज Lewis बेस. किस तरीके से काम कर सकता है बताओ, Lewis बेस की तरह काम कर सकता है. ठीक है ना, तो 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Arrhenius के हिसाब से एसिड और बेस क्या है, तो Arrhenius के हिसाब से मतलब एसिड मतलब H+2 दे. ठीक है, अब बेस का मतलब जो OH- दे. ठीक है, Bronsted के हिसाब से जो प्रोटॉन लूज करे वो क्या होगा, एसिड. जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या बनेगा, बेस. ठीक है, Lewis के हिसाब से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करे बताओ, एक्सेप्ट करे वो एसिड बन जाएगा, और जो दे वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि Ka और Kb क्या होता है. ठीक है, जैसे कि तुम सबको पता होगा कि जो इनिशियली जो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि के कैसे निकाला जाता है, या केसी किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी स्पीसीज के लिए, तो उसके लिए तो एक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज
इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तभी के से डिफाइन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास सिंपली एक एसिड है, ठीक है, फाइंडिंग के ए एन के बी, ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि के ए और के बी है क्या, ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, एसिड के लिए, ये ए का मतलब क्या है, एसिड है, ठीक है, कांस्टेंट फॉर एसिड। उसी तरीके से ये जो के बी है वो क्या है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है ना, ए डिफरेंस है। देखो तो निकालने का जो तरीका है वो सेम है, कोई चेंजेस हमें करना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे के ए के बारे में बोलूँ तो फिर ए सिंपली यहाँ पे किसके लिए डिफाइन होगा, एसिड के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक एसिड ले लूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया एच एक्स, ओके, कोई भी एक एसिड है, ये एसिड है, ठीक है ना। अब मान लो कि इस एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ, सैकोस, ओके, अब इस एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, ये डिसोसिएट होगा, किसमें डिसोसिएट होगा बताओ, बताओ किसमें डिसोसिएट, ये हो जाएगा तुम्हारा एच, ये एसिड है तो फिर क्या करेगा बताओ, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए बेस, ठीक है। तो फिर अगर ये एसिड है तो एच प्लस देगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, एक्स माइनस, ये जो एच प्लस देगा ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O का पॉजिटिव, ठीक है। एडमी से अगर एसिड है तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस, अगर ये बेस है तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि के, इसके लिए अगर मैं के डिफाइन करूँ सिंपली, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स का माइनस, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, एच थ्री का क्या, ओ पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, एच एक्स, ठीक है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एसिड को सिर्फ क्या करा रहा है, डिसोसिएट करा रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंजेस तो आएगी नहीं, जितने ही तुम कॉन्सेंट्रेशन वाटर को लोगे ना उतना ही बना रहेगा। तो तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आगे बात समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सिंस इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि के इंटू एच टू, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस एच थ्री ओ पॉजिटिव का क्या, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच एक्स, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं कि ये जो है ना के इंटू एच टू ओ, इसको मैं लिख सकता हूँ के ए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एच थ्री ओ का पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम के ए निकाल सकते, निकालने का तरीका सेम है, कोई चेंजेस करा नहीं है मैंने। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन, इसको कॉन्स्टेंट मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये कर क्या रहा है कि सिर्फ इसको डिसोसिएट करा रहा है, ठीक है। एच एक्स अगर ये एसिड है तो इसको डिसोसिएट करा के क्या कराएगा, ये एच प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस। देखो ये जो H+ यहाँ से निकला है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है तो क्या होगा कि ये जो वाटर है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, अब कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन के लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन बनाना है ना के लिए, तो किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए क्या तरीका है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि के ए और के बी यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड और के बी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है। अब देखो निकालने का तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से के ए और के बी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एसिड है मेरे पास एक सिंपल सा एच एक्स, ठीक है। अब इसको मैं एक्वस में डाला, ठीक है, एक्वस में इस वाटर में डाला मैंने, तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट किस तरीके से होगा बताओ, ये डिसोसिएट कुछ इस तरीके से होगा, एच प्लस, ठीक है, जो कि एक्वस में है, और प्लस क्या होगा, एक्स का निगेटिव, ठीक है, एक्स का निगेटिव जो कि एक्वस में, ठीक है। अब देखो अगर ये एसिड है तो ये जो बनेगा दिस विल बी ये अगर एसिड है तो H+ रिलीज किया तो H+ X- में डिसोसिएट हो गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर मान लो कि T इक्वल टू जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है, ठीक है, तो मान लो ये डिसोसिएट हुआ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जीरो और यहाँ पे जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा,
कि इसका कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा, ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो आप देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि इफ अल्फा इक्वल टू डी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या माना है मैंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो इसके कुछ अमाउंट, मतलब कि सी अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, टी इक्वल टू जीरो पे इसका अमाउंट कितना है सी, तो सी में से अमाउंट क्या वो घटेगा। अगर मैं बोलूँ कि अल्फा अमाउंट यहाँ से घट रहा है तो इसमें से सी में से कितना अमाउंट घटेगा, सी माइनस सी अल्फा घटेगा, और यहाँ पे कितना अमाउंट बनेगा, सी अल्फा इसका बनेगा और सी अल्फा इसका अमाउंट बनेगा। अरे बात समझ में, देखो यहाँ पे इनिशियली मैंने क्या माना है कि C इज द कॉन्सेंट्रेशन फॉर एच एक्स, अब इसको एक्वस में डाला है तो ये डिसोसिएट हुआ किसमें, एच प्लस और एक्स माइनस में। अब देखो t इक्वल टू जीरो पे इसका अमाउंट तो है लेकिन ये तो बना नहीं है, तो मतलब ये जीरो और जीरो हो जाएगा। अब मान लो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इसका क्या मतलब है, दिस इज t टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो यहाँ से कुछ अमाउंट घटेगा तभी तो ये दोनों अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पे मैंने अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना है, ठीक है, अल्फा यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे से सी में से कितना घटेगा, सी अल्फा घटेगा और यहाँ पे कितना बनेगा, सी अल्फा और सी अल्फा बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं के ए निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, निकालने का तरीका सेम है जैसे कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में निकाला था, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या हो जाएगा, अब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी अल्फा, इक्विलिब्रियम पे हमें के निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे एच प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज सी अल्फा, और x माइनस का भी कितना है c अल्फा, तो कैसे निकालूंगा मैं c अल्फा इंटू सी अल्फा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा c माइनस सी अल्फा, ठीक है। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ c कॉमन ले लूंगा, तो c अगर मैं कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा अंदर, वन माइनस अल्फा, ठीक है, तो देखो यहाँ से सी सी कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारा c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, आगे बात समझ में। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर के ए, तो देखो कई बार एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हिच इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर के ए, तो के ए का जो इक्वेशन बन के आया है दैट इज बताओ क्या है, c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पे याद रखना दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, यहाँ पे c क्या है कॉन्सेंट्रेशन फॉर एसिड, एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगा, यहाँ पे अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर के ए। सिमिलरली तुम के बी भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो के बी निकालने का तरीका भी क्या होगा, जो स्टेप्स होगा वो सिमिलर होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मैंने एसिड के लिए सिंपली एच एक्स लिया था, ठीक है, अब बेस के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म जो बेस का होगा दैट विल बी व्हाट एम ओ एच, मान लो कि एक बेस है, ठीक है, एम ओ एच इसे बेस, ओके। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्वस में डाल रहा हूँ, तो सिंस ये बेस है तो फिर ये क्या करेगा बताओ, ये हमें ओ एच माइनस देगा, मतलब कि मुझे मिलेगा एम प्लस जो कि एक्वस में है, अब प्लस क्या मिलेगा मुझे, ओ एच का माइनस जो कि एक्वस में, ठीक है, आगे बात समझ। वहां पे मैंने एच एक्स लिया था, यहाँ पे मैंने एम ओ एच लिया, ठीक है, तो ये एक बेस है, ठीक है ना। अब मान लो कि t इक्वल टू जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो c है, ठीक है, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, c मतलब कि कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, ठीक है, c ले सकते हो, x ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, तो c अब t इक्वल टू जीरो हो तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे जीरो और जीरो होगा। इफ यहाँ पे मान लो कि इफ अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब देखो यहां पे t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे होगा यहां से क्या, यहां से घटेगा, मतलब कि c माइनस सी अल्फा, ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा c अल्फा, और यहां पे c अल्फा बनेगा, ठीक है। तो सेम इक्वेशन बन के आएगा, अगर यहां पे मैं kb लिखूं तो फिर क्या होगा बताओ, C अल्फा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, तो फिर क्या है C अल्फा इंटू सी अल्फा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा C माइनस सी अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ C, तो फिर क्या होगा C बाहर आ जाएगा, अब बचेगा क्या 1 माइनस अल्फा, तो C कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा।
देखो दोनों के केस में जो इक्वेशन आएगा ना दैट विल बी सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है ना। उस केस में के ए क्योंकि एसिड के लिए डिफाइन किया था हमने, अब यहाँ पे के बी क्यों होगा, क्योंकि ये बेस के लिए डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। जो निकालने का जो तरीका है दैट इज सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम के ए और के बी निकाल सकते हैं फॉर ए गिवन एसिड एंड बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो के डब्ल्यू निकालते किस तरीके से हैं। तो पहले तो ये सीखेंगे कि के डब्ल्यू निकलता किस तरीके से है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो इसको निकालते किस तरीके से, पहले तो ये समझ लो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के डब्ल्यू से, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो वाटर है ना H2O जो है, इसकी जो नेचर है, नेचर इज एम्फोटेरिक, ओके एम्फोटेरिक, ठीक है ना। ये एसिडिक भी है, एसिडिक ऑल्सो बेसिक, ओके। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, ठीक है। वीक एसिड एंड वीक बेस बोल सकते हैं, वाटर इसे वीक एसिड और वीक बेस, ओके। इसे वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। सिंस आयनिक प्रोडक्ट में वाटर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है तुम्हें कि तुम्हें लेना है 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। ए बी लिक्विड है प्लस वाटर, ए बी लिक्विड है, ठीक है। तो एक को मानना है तुम्हें एसिड, तो फिर एक को एसिड अगर मानोगे तो सेकेंड जो मोल होगा उसको क्या मानना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर ये एसिड है तो क्या करेगा, एच प्लस देगा, तो एच प्लस देगा तो एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये एच प्लस दिया तो ये बनेगा क्या बताना, ये बनेगा तुम्हारा OH का माइनस एक्वस, ठीक है। इसने एच प्लस को एक्सेप्ट किया, मतलब कि ये एसिड है तो एच प्लस इसने दिया है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि दिस इज लूज ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, लूज ऑफ प्रोटॉन्स, या मैं लिख सकता हूं एच प्लस, ठीक है। तो इसने एच प्लस को रिलीज किया तो बना OH माइनस। अब ये बेस की तरह काम कर रहा है तो ये करेगा क्या कि H+ को एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट करा तो ये क्या बनेगा बताओ, H3O का क्या बनेगा, पॉजिटिव, जो कि क्या है तुम्हारा एक बेस, आई मीन ये अगर तुम्हारा बेस है तो फिर ये क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज गेन ऑफ क्या, प्रोटॉन्स, ठीक है, एक गेन ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे K डिफाइन करना है, सिंपली K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, OH का कंसंट्रेशन मैं मान रहा हूँ OH माइनस का स्क्वायर ब्रैकेट, और H प्लस आई मीन OH माइनस और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा H3O का पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, डिवाइड में रख देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ H2O का कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, दोनों सिमिलर टर्म है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बताओ, K जो होगा वो क्या बन जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और क्या हो जाएगा H3O का क्या पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या H2O, और यहाँ पे पावर पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा काम। अब देखो एक चीज याद रखो कि ये जो है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आएगा नहीं, मतलब कॉन्स्टेंट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो टर्म है ना दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पे इसको लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, फिर क्या हो जाएगा, अगर इधर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा बताओ, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखो K और कॉन्सेंट्रेशन फॉर H2O का क्या हो जाएगा पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा OH का माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या बताओ हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से आगे बात समझ में। अब इसकी जो प्रोडक्ट है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं KW, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा OH माइनस और क्या हो जाएगा H3O का पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंस जो आयनिक प्रोडक्ट है KW दैट इज इक्वल टू K इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसी को बोलते हैं हम लोग
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू जो होगा दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इंटू हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, दोनों की अगर कॉन्सेंट्रेशन को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, के डब्ल्यू मिल जाएगा. तो देखो कई बार क्या है ना कि के डब्ल्यू कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है. ठीक है, के डब्ल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, कई बार कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है. ठीक है ना, एच प्लस. ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है. ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो एच प्लस है ना ये एग्जिस्ट करता नहीं है एक्चुअल में. ये क्या होता है कि तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोनियम आयन में, H3O पॉजिटिव. ठीक है, तो दोनों का एक ही सेंस बनता है, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो. ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो सिंपली मैंने करा क्या है कि दो मोल ऑफ वाटर लिया, एक को एसिड माना तो फिर एक बेस बन जाएगा. अगर यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें तो एसिड क्या होता है, जो H प्लस दे तो इसने H प्लस को क्या किया, मतलब प्रोटोन क्या किया, मतलब लूज किया. तो लूज करेगा तो ओ एच माइनस में कन्वर्ट होगा. अब मान लो इसने H प्लस को लूज किया तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. तो ये बना ओ एच माइनस, ये क्या बनेगा तुम्हारा, H3O पॉजिटिव. तो देखो ये अगर एसिड है ना तो ये जो बना है दिस विल बी कॉन्जुगेट बेस. अगर ये बेस है तो फिर क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. ठीक है, सिंपल. आज जो तरीका है K निकालने का, जो तरीका है क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ इस तरीके से मैंने करा. ठीक है, सिमिलर है तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा. अब ये कॉन्स्टेंट है तो इसको इधर लेके आ जाओ. ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, के डब्ल्यू मानेंगे, जो कि इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है ना, तो के डब्ल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. ठीक है ना, इस तरीके से निकल सकता है के डब्ल्यू. ठीक है, अब देखो एक चीज और है कि प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन का दैट इज नियरली इक्वल टू 10^-7 के बराबर होता है. ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो इस माइनस की, प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग, ठीक है, नियरली इक्वल टू होता है 10^-7 एम के. ठीक है ना, और इवन ये भी पाया गया है कि जो एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, एच प्लस, और सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसकी जो वैल्यू होती है नेल इक्वल टू क्या होता है 10^-7 एम के बराबर ही होता है दोनों का. ये प्रैक्टिकल डेटा है. ठीक है ना, प्रैक्टिकल डेटा है. तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि जो के डब्ल्यू होगा दैट विल बी, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 10^-7 और इसकी वैल्यू कितनी है 10^-7 वैल्यू है. दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ 10^-7 एम इंटू क्या लिख सकता हूँ 10^-7 है. तो देखो इसको अगर तुम, अब देखो पावर सेम क्या करोगे, पावर सेम है तो फिर क्या करोगे 8, दैट मीन्स 10^-7 माइनस प्लस माइनस 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स दिस विल बिकम 10^-14 यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर. ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू. ठीक है, तो के डब्ल्यू की इक्वेशन कुछ इस तरीके से तुम डिराइव कर सकते हो. और इसकी इसकी जो वैल्यू है ना दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू. ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल डेटा है दैट इज 10^-14 एम स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पीएच किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, पीओएच किस तरीके से निकाल सकते हैं और पीकेडब्ल्यू किस तरीके से निकाला जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच है ना दिस विल डिफाइन फॉर एच. ओके, मतलब दिस इज फॉर एसिड. ओके, ये एसिड के लिए डिफाइन होगा, आइए बेस के लिए डिफाइन होगा, आइए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए डिफाइन होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं के डब्ल्यू का यूज मैंने करा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे पी एच फॉर एसिड, दिस इज फॉर बेस एंड दिस इज फॉर आयनिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो आज वो देखते हैं कि पी एच क्या होता है, पी ओ एच क्या होता है और पी के डब्ल्यू क्या होता है. फोर्थ टॉपिक इज पी एच, POH एंड PKW. ठीक है, इस तरीके से. अब देखो क्या है, अब pH पहले तो मैं बता दूं कि pH क्या है. ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा कि दिस इज pH जो है इसको लिखने का तरीका क्या है, दिस इज माइनस लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. ठीक है, दिस इज pH एक्चुअली. ठीक है, pH जो है इस P का मतलब क्या है, माइनस लॉगरिथम. ठीक है, और इस CH का मतलब क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन किसका होना चाहिए, H प्लस का होना चाहिए. उसी तरीके से मैं OH के लिए डिफाइन कर सकता हूँ. तो OH किसके लिए हो जाएगा, फिर माइनस लॉग, और यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी बताओ, हो जाएगी तुम्हारी OH माइनस की. ठीक है,
उसी तरीके से पी के डब्ल्यू डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लॉगरिथम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के डब्ल्यू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे पी का क्या सेंस है, पी मीन्स माइनस ऑफ लॉग, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग हो जाएगा एच प्लस, एसिड के लिए, ओ एच बेस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस। उसी तरीके से हम लोग पी के डब्ल्यू के लिए भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस लॉग, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू हो जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लॉग आई यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आई, देखो यहाँ पे ये जो पावर है ये क्या क्या हो जाएगा बताओ, इधर चला जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे जो भी चीजें रहती हो क्या हो जाती है, पावर में चली जाती है। तो फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ वन में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो देखो पी एच लिखने का तीन तरीके हैं, एक तो इस तरीके से लिख सकते हो तुम, ये भी सही है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि व्हाट इज द पीएच। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस गिवन रहेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें मैथमेटिकली कैलकुलेशन, सिंपल से बेसिक मैथमेटिक्स करना है, और लॉग की अगर प्रॉपर्टी पता है तो फिर आसानी से तुम कर सकते हो, ठीक है। इसको भी तुम किस तरीके से लिख सकते हो बताओ, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, ओ एच का माइनस, ये जो है माइनस है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो विच विल बी इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाय कॉन्सेंट्रेशन किसका, ओ एच का माइनस, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली तुम इसके लिए निकाल सकते हो, इसके लिए कैसे निकालोगे बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग, क्या हो जाएगा बताओ, के डब्ल्यू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का वन। तो दैट मीन्स यू कैन राइट कि लॉग वन बाय के डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाला है अभी के डब्ल्यू का, ठीक है। के डब्ल्यू का कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है बताओ, पी के डब्ल्यू जो है माइनस लॉग, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी लिखी है मैंने बताओ, 10 रेस टू माइनस 14 एम स्क्वायर, ठीक है ना। अभी तो लिखा मैंने के डब्ल्यू का वैल्यू, इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू, अगर बोल दिया जाएगी के डब्ल्यू की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट इज 10 रेस टू माइनस 14 आ यहाँ पे एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ तो फिर क्या होगा बताओ, इसको फर्दर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ। इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ ना, हमें पता है ना कि लॉग ए एक्स क्या होता है बताना, एक्स लॉग ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो पावर है इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा तुम्हारा 14, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा तुम्हारा 14 और लॉग 10, ठीक है, यहाँ पे एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बताओ, 14 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, दिस विल बी 14 एम स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से के डब्ल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ओके। अब देखो किस टाइप के सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है कि देखो दो, बेसिकली दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें बता दूं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। एक तो होता तुम्हारा कंप्लीटली सोलिबल सॉल्ट, ओके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, ठीक है ना। तो दिस आर कंप्लीटली सोलिबल इन वाटर, ठीक है। जैसे तुम इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये Na+Cl- में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। उसी तरीके से KCl के केस में भी सेम चीज़ होगा, ये K+ और Cl- में कन्वर्ट होगा और पानी में घुल जाएगा। लेकिन जो KSP है ना, जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है ना, किस टाइप के सॉल्ट, मतलब ये कम्प्लीटली सोलिबल सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यूज़ हम लोग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा यूज़ हम लोग करेंगे फॉर इनकम्प्लीट सोलिबल सॉल्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट या हम लोग ये भी बोलते हैं दे आर स्प्रेंगली सोलिबल सॉल्ट, ठीक है। स्प्रेंगली सोलिबल का मतलब ये होता है कि उसके बहुत ही कम अमाउंट पानी में सोलिबल होगा, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि मान लो AgCl हो गया, AgBr हो गया, ठीक है, या AgF हो गया, ठीक है ना, ETC। ये सारे सॉल्ट क्या है कि इसको तुम जैसे पानी में डालोगे ना तो फिर क्या होगा, इसका कुछ अमाउंट ही घुलेगा पानी में, बाकी का क्या बन जाएगा, PPD बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि AgCl है मान लो, तो इसको तुम पानी में डालोगे तो किस में ब्रेक होगा, पहले तो Ag+ + Cl-। जैसे कि मान लो इसका मैंने 10 ग्राम लिया है, ठीक है, 10 ग्राम इसका लिया मैंने,
इसको मैंने वाटर में डाल दिया, ठीक है, इसको किस में डाला, वाटर में डाल दिया, तो अब होगा क्या कि ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा ए जी प्लस अ प्लस सी एल माइनस। तो मान के ये चलो कि इसका बहुत ही कम अमाउंट घुलेगा, 0.001 ग्राम घुल सकता है मे बी, इससे भी कम घुलता है एक्चुअल में, ठीक है। अब फिर बाकी का फिर क्या होगा, बाकी का क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, मतलब प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या केएसपी के बारे में बात करेंगे तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, या विच आर विच सॉल्ट्स आर इनकम्प्लीटली सॉल्युबल, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट घुलता है ना, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दे आर वेरी लेस सॉल्युबल या स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। चलो तो अब देखो देखो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट जिसको हम लोग केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर फॉर स्प्रैंगली स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्प्रैंगली का मतलब ये होता है लेस सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल, ठीक है ना, लगभग ये सॉल्युबल होते ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही कम अमाउंट घुलेंगे, बाकी का पीपीटी बन जाता है हमेशा, ठीक है ना। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग केएसपी हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से बेसिकली न्यूमेरिकल से ही आते हैं, ठीक है ना, तो थ्योरी का ज़्यादा मतलब है नहीं, फिर भी तुम एक बार ध्यान दे दो कि पूछा ये भी जा सकता है ना कि सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है या केएसपी जो है वो किसके लिए डिफाइन होगा, तो हमेशा याद रखना दैट इज ओनली डिफाइन फॉर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली का क्या मतलब है, विच आर विच सॉल्ट आर लेस सॉल्युबल, ठीक है, तो स्प्रैंगली सॉल्युबल के जो सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट के एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो दे आर व्हाट यू नो, जैसे कि मान लो AgCl हो गया, ठीक है ना, या तुम्हारा AgBr हो गया या AgF हो गया, दिस आर वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें याद रखना है कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है कौन से इनसॉल्युबल है, हमें याद नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्या होगा कि सॉल्ट गिवन होगा और तुमसे केएसपी पूछेगा कि इसके लिए केएसपी क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं मान के ये चल रहा हूँ कि मेरे पास एक सॉल्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ए एक्स बी वाई फॉर्म का एक सॉल्ट है, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस आर दिस कैन बी एनी नंबर, ओके, एक्स एंड वाई हियर, एक्स एंड वाई कैन बी एनी नंबर, ओके, कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो इस एक्स बी वाई को, इस एक्स बी वाई को जैसे तुम पानी में डालोगे तो फिर क्या होगा, ये जो एक्स बी वाई मैंने जो सॉल्ट लिया है ना, दिस इज स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये मान के चलो कि ये स्प्रैंगली सॉल्युबल है, पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रिवर्सिबल साइन का यूज कर सकता हूँ। अब देखो ये किस में ब्रेक होगा, एक्स ए का पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक होगा, नेगेटिव पार्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे y का पॉजिटिव, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, और प्लस क्या होगा तुम्हारा बताओ, जैसे भी y b, यहाँ पे क्या होगा, कितना नेगेटिव होगा, x का नेगेटिव। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉल्ट है AgCl, ठीक है, देखो Ag का एक है और Cl का भी एक है, यही है ना। अब इसको तुमने वाटर में डाला तो क्या होगा, ब्रेक होगा कुछ तरह, देखो ये ब्रेक होगा Ag का प्लस वन प्लस, और उसी तरीके से क्या होता है प्लस Cl का एक माइनस, मतलब देखो यहाँ पे जो मैंने प्लस वन लिखा है ना, इस नंबर को लिखा है, इसको नहीं लिखा, मतलब हालांकि दोनों सेम है लेकिन इस को लिखा है मैंने, तभी तो ये चार्जेस बैलेंस्ड होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये एक और एग्जाम्पल है ना कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लो मैं बोलूँ कि ए टू और बी थ्री है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको तुम अगर वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट कुछ इस तरीके से होगा, देखो किस ए जो नंबर है वो बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स टू ए का क्या बनेगा, थ्री पॉजिटिव, अब प्लस थ्री ए का टू निगेटिव, ठीक है, टू थ्री जा क्या होगा, प्लस सिक्स हो जाएगा, देखो यहाँ से प्लस सिक्स हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस सिक्स हो रहा है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होना चाहिए, चार्जेस बैलेंस होना चाहिए ना। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखना ए ए एक्स एक्स ए, यहाँ पे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगे, वाई का पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स का माइनस, कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, तो मान लो कि इस तरीके से चीजें ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो सॉल्ट अगर है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना।
तो आप जैसे इसको वाटर में तुमने डाला तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो सोलिबिलिटी है ना, कंसिडर इफ एस, ठीक है, स्मॉल एस इज द सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी ऑफ ए वाई प्लस एंड बी एक्स माइनस, ठीक है। अगर ए प्लस, ए वाई प्लस और बी एक्स माइनस की सॉलिबिलिटी को अगर मैं एक्स मान लूं, तो फिर ये किस में कन्वर्ट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ। इसको मैं लिख सकता हूं कि ए के लिए तो क्या है तुम्हारा, एस है, बी के लिए भी क्या है, एस। आइए यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस ए एक्स है तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स। यहां पे भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस केस में अगर मुझे के डिफाइन करना है सिंपली, के अगर सिंपली मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ, एक्स एस, इसकी कोएफिशिएंट कितनी है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो क्या है, वाई एस, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या है, y है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट दैट इज ए एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। आगे बात समझ में इस तरीके से। और बाकी ये कॉन्स्टेंट है तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इधर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वाई, ठीक है। I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, दिस इज x का x, s x, I इनटू क्या हो जाएगा, y का y, और क्या हो जाएगा, s का y हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल s ही ले लो, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है ना, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसको मैं क्या लिखूंगा, के एस पी लिखूंगा, और किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एक्स एक्स, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स एक्स y का y, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, दोनों सेम, देखो दोनों सेम है ना, यहाँ पे ए बी एस है, ए बी एस है, मैं क्या लिख सकता हूँ s, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं s, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x प्लस y, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके लिए जो के एस पी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी x x x रेस टू x, y रेस टू y, और s x प्लस y। देखो यहाँ पे s जो है ना, दिस इज सॉलिबिलिटी ऑफ दिस टू, ओके। यहाँ पे x और y क्या है, इसकी कोफिशियंट, आगे बात समझ में ना। तो ये इसकी कोएफिशिएंट एग्जाम में गिवन रहेगी, ठीक है ना, या सॉल्ट दे देगा और तुमसे केएसपी की वैल्यू पूछेगा, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैं सॉल्ट ले रहा हूँ सिंपल सा, तो केएसपी के लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। तो देखो एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है ए जी बी आर, ठीक है, और मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इस सॉल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्वस में डाल रहा हूँ, ठीक है, पानी में जैसे डालूंगा तो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, किस तरीके से बताओ, ए जी प्लस का एक्वस, ठीक है, और प्लस बी आर माइनस का एक्वस, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसकी सॉलिबिलिटी को क्या मानूंगा मैं, एस, ठीक है, इसकी भी सॉलिबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, ठीक है। एक कंसिडर मैं कर रहा हूँ कि एस, इसकी सॉलिबिलिटी एस है, इसकी भी क्या है, एस है। इस केस में मुझे क्या करना है, के एस पी डिफाइन करना है, तो किस तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। देखो इसकी जो कोफिशियंट है ना दैट इज वन, अब बी आर की जो कोफिशियंट वो भी क्या है, वन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ए जी वन है और बी आर कितना है, वन है, दैट मीन्स वन ए जी प्लस वन बी आर माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस केस में अगर के एस पी अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, एस, इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, एस, ठीक है ना। तो एस इंटू एस क्या हो जाएगा, मतलब इस केस में जो के एस पी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट, यू नो, एस स्क्वायर, ठीक है, सिंपली, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक और सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम एग्जांपल है, इफ इफ के एस पी इज कंसेप्ट दैट इज फोर, ओके, देन फाइंड द सॉल्युबिलिटी, देन फाइंड द सॉल्युबिलिटी एस, ठीक है। और के एस पी की वैल्यू 4 है तो s की वैल्यू हमें निकालना है। देखो इसके लिए एक्सप्रेशन जो बना था दैट वाज के एस पी इक्वल टू क्या था, s स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे के एस पी की वैल्यू सिंपली दी हुई है 4, ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। मान लो अगर के एस पी अगर पूछे तो s की वैल्यू गिवन रहेगी एग्जाम में, ठीक है। सिंस यहाँ पे के एस पी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 4 है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s स्क्वायर। और देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, s पूछा गया है, तो क्या बन जाएगा बताओ, जो s होगा दैट विल बी रूट ऑफ 4, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 2, ठीक है। हमें पता है जो सॉल्युबिलिटी है इसके जो यूनिट होगी दैट विल बी मोल और लीटर,
या सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टू कैपिटल एम। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और है यहाँ पे, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है कुछ इस तरीके से, ए टू बी थ्री। ठीक है, ए टू बी थ्री के फॉर्म में एक सॉल्ट है मेरे पास। अब यहां पे पूछा फॉर दिस सॉल्ट फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर के एस पी। ठीक है, के एस पी का एक्सप्रेशन लिखना है इस सॉल्ट के लिए। ठीक है, देखो सिंपली करना क्या है कि ए टू बी थ्री हमारा सॉल्ट है, अब मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब जैसे कि इसको तुम डालोगे किसमें, एक्वस में, पानी में जैसे ही डालोगे तो किससे किससे डिसोसिएट होगा ये बताओ। 2b का क्या होगा, 3 पॉजिटिव, प्लस 2a का क्या बन जाएगा, 3 पॉजिटिव, प्लस 3b का क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से होगा। देखो जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव होनी चाहिए, मतलब ये 2 प्लस 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। देखो एक मोल के लिए तो S है, सिंस ये दो है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2S, तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, 3S हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे S जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि S इज सॉल्युबिलिटी फॉर वन मोल ऑफ A और B। ठीक है ना, एक S जो है ना एक मोल के लिए। ठीक है, सिंस दो यहाँ पे बन रहा, फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 times of S लिखूंगा। सिंस यहाँ पे 3 बन रहा है, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 times of S लिखूंगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर मुझे KSP डिफाइन करना तो कैसे करूंगा मैं बताऊँ। KSP जो होगा इसके लिए क्या है, 2A के लिए क्या है, 2S है, दैट मीन्स 2S, इसकी जो कॉफिशियंट होगी कितनी है, 2, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसकी कितनी है बताओ, 3S, इसकी कॉफिशियंट कितनी है, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी कॉफिशियंट कितनी है, 3 है। ठीक है, इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा, इन टू क्या हो जाएगा, 27, इन टू क्या हो जाएगा, एस क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई 4 into 27 और क्या कर सकते हो, एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3, मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 plus 3। ठीक है, जो आंसर बनेगी क्या बनेगी, 4 into 27 और एस क्या हो जाएगा, 5 times। ठीक है, तो ये केएसपी की क्वेश्चन बन जाएगी। फर्दर तुम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जो केएसपी है वो क्या बन रहा है मैंने बताओ, 4 into 27, एस कितना, 5 times। अब सिंपली मुझे अगर एस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, केएसपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। अगर मान लो कि एस की वैल्यू पूछा है तो केएसपी की वैल्यू गिवन रही। ठीक है, अगर मान लो कि एस पूछ रहा है तो फिर केएसपी की वैल्यू गिवन रहेगी, और केएसपी अगर पूछा है तो एस की वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, यहाँ से सिंपली अगर मैं एस निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ मैं, एस जो है दैट इज केएसपी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 into 27। ठीक है, यहाँ से एस अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5th root of के एस पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 into 27। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी एस की वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम के एस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इन सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, या स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू।